तो दीदी का पूरा मेकअप मैंने किया, फिर दीदी अभी गई है वहाँ पे रिसेप्शन पे, तो व्लॉग सोचा था नहीं करूँगी पर थोड़ा सा कर रही हूँ। मेरा गले का हालत आप लोग देख ही रहे हो, तो 3-4 रात से सो नहीं पाई, इतना खांसी हो रहा है मुझको। पर ये वाला रिसेप्शन अटेंड भी करना पड़ेगा इसीलिए जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। थोड़ा सा बस हल्का लाइट मेकअप कर रही हूँ, क्या पहनूंगी पता नहीं, क्योंकि गला ढकना है, कान ढकना है, सब कुछ ढकना है, तो कपड़ा तो इतनी ऑब्वियसली नहीं पहन पाऊंगी, तो वेस्टर्न में कुछ देखती हूँ, बट पता नहीं अभी तक स्टिल मैंने डिसाइड नहीं किया क्या पहनूंगी। तो दीदी के सेकंड रिसेप्शन में हेयर मेकअप मैंने किया था, बट मेरे घर पे जब शादी था ना तो मेरा काजल, मैक का जो काजल था वो चोरी हो गया भाई, इसलिए बहुत दिक्कत तो हुआ। ये मैंने दीदी को सजाया है, ये फाइनल लुक है, और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं पता मैं जा पाऊँगी या नहीं, बट कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। ये है बिना पैसों का मेकअप, सारा मेरा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। आप लोगों को भी अगर बिना पैसे का मेकअप चाहिए तो हमें बुक कर सकते हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो सो भी गई हूँ, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, फीवर जैसा फिर से लग रहा है पता नहीं क्यों। और पापा कॉल नहीं रिसीव कर रहे, पापा कॉल रिसीव करेंगे, पापा आएंगे तब भी जाके हम जा पाएंगे, गाड़ी लेके वही आएंगे। सो मैं निकल गई हूँ, देख सकते हो कान में मैंने छोटा सा जो मफलर नहीं आता वो ये लगा लिया है, शक्ल मेरा दिख नहीं रहा है, बाकी मैं उधर जाके दिखा रही हूँ। पहुंच गई हूँ तो मुझे देख के सब पूछ रहे कि तबीयत कैसा है, तबीयत कैसा है, देख के समझ आ रहा है। मम्मी देखो इधर बैठी है, खांसी कर रही है, और इधर मैं बैठी हूँ, एसी बंद करा दिया, बाकी डेकोरेशन मैं बाहर जगह दिखाऊंगी। ये है खून चूसने वाला ड्रैकुला, और इनके पास खून देने वाला ज़्यादा लोग हैं, मैं क्या बोलूँगी पता नहीं, और तब और ज़्यादा भीड़ है। अब मैं दिखाती हूँ जल्दी से जल्दी, जब भी वो बैठती है समझ भी नहीं आएगा यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं। टोटल यहाँ पे शायद 1,500 लोगों का आना है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है देख सकते हो। और ये थकी आ रही दुल्हन, इसका नहीं हो रहा है भाई, इसको अभी और मेरा बेचारा पैर कोई भी आके कुचल दे रहा है, इतना ज्यादा मतलब जगह छोटा पड़ गया भाई, इतना ज्यादा मतलब लोग आया ना। नाम की तुम्हारे बोलोगा सभी जी। अब बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जमीन सी है, बहुत प्यारा नाम है। सो ये मैंने सजाया है, तुम्हें क्या ना पूछते पहले, ये इनका इनका देखो एट लागे रखो काकू, एट लागे रखो इनका ये नहीं लगेगा क्योंकि इनका ये साइज का नहीं है। और ये देखो ब्राइड तो चलो थोड़ा सा कॉफी पिया जाए क्योंकि गले में काफी ज्यादा ही दर्द है। थोड़ा सा खाली हुआ है, 9:30 बज गया अभी, और कॉफ़ी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंने फेंक दिया थी, इन्होंने कॉफ़ी अच्छा नहीं बनाया, कॉफ़ी में पानी मिला दिया। आप बोल दिए फ्रेश कॉफ़ी करने के लिए, तो कॉम्प्लेन तो होएगा ना आंटी पड़े जाती। तो मैं फुल अभी कंप्लेन कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मेरे मेरे घर का काम तो हो गया अभी, और बस बैठ के भूख घूम रही, ये नहीं सही वो नहीं सही हो रहा है। कॉफ़ी आया है ये फिर भी सही है, वहाँ पे बैठ के खा रही है पकौड़ा। क्या नाम है आपका?
तो फिर लिया था थोड़ा सा वेज पकोड़ा। ये क्या था मुझे समझ नहीं आया भाई, ये बहुत जहरीला बना था, मतलब टेस्ट तो ठीक था बट नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो दीदी का भी शूट चल रहा है और मैं सारा एसी बंद करा के घूम रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ खाना खाने का जगह, काफी लेट शो आई आ रहा है। तो सबसे पहले दिया था चिकन साटे जो मुझे ठीक ठाक लगा था, और पापा खा रहे थे पनीर साटे, मम्मी का भी सेम है, मम्मी को पता नहीं कि वो अच्छा नहीं लग रहा था बट अच्छा था टेस्ट। टाइम हो रहा है 11:30 और बहुत लोग मिलने भी आ रहे हैं, उसे मिलते ही हमारा खाना हो गया। नानी क्या देखने की कोशिश कर रही है, तो हमारा खाना हो गया, थोड़ा सा ही खाया क्योंकि तबियत और जल्दी खराब है। तो माजी मगे चीज नहीं चिंता है आप लगे तो आज मतलब अजवाइन खा रही थी और बाकी थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। अभी भी स्टिल लाओ आज के मेकअप हम ही करे छे এটা কি এটা কি টাওয়ার নিচে এটা কি থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ গিভ মি 40,000 और अंकल बैठे हैं, और एक जन क्या बोलते और भैया खाएंगे। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? गर्दन पे पेन चुभ रहा है? चुभ नहीं रहा है, पेन हो रहा है। और हंस के बात करके कैसा एक्सपीरियंस है? गालों को मसाज चाहिए ना, मसाज भी ये देखो। तो इसको हो रहा है ठंड, तो इसीलिए इसने दुपट्टा ही ऐसे फोड़ लिया। ये है वो आदमी जिसने बोला था 20,000 दे दो। पापा बैठ के किसी का वीडियो देख रहे हैं, मम्मी भी बोर हो रही है, नानी को मम्मी को नींद आ रहा है, और दीदी अभी खाना खाने बैठी है। ऑलरेडी मैं 3 रात से नहीं सोई हूँ बिकॉज ऑफ माई खांसी, एंड मुझे लग रहा है कि आज भी मुश्किल ही है क्योंकि काफ़ी गले का हालत ख़राब है। घर जाके अभी तो गार्गल करूँगी, फिर देखूँगी कि क्या हो रहा है। पापा का मफलर ले लिया मैंने, मैं जो लेकर आई थी वैसे नानी के बल ढेर सारा देख सकते हो गिफ्ट्स मिला है, ढेर सारा फ्लावर्स मिला है, सिर्फ इतना ही नहीं ऐसे और 3 बांध के ना घर पे भेज दिया गया है, तब ढेर सारा हो गया। तो अभी बज रहा है 12:30 और हम जा रहे हैं घर, देख सकते हो सब कुछ बंद हो गया है, और दीदी को लेके पापा आएंगे बाद में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पता है मेरे गला बैठ गया है क्योंकि दीदी के रिसेप्शन के दिन से मुझे फीवर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, 101 करके रह रहा है, तो तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, गला बैठ गया, टॉन्सिल फूल गया, और क्या क्या बताऊँ, मुझे चक्कर आ रहा है। तो अभी दीदी को मिला है रिसेप्शन में बहुत सारा गिफ्ट्स, शायद शादी वाला गिफ्ट्स भी जो मिला था, साथ में ही दोनों वीडियो आएगा, पर स्टार्टिंग यही रहेगा क्योंकि उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है। तो ढेर सारा गिफ्ट्स देख सकते हो मिला है दीदी को, तो अभी करेंगे इनका अनबॉक्सिंग। तो मैं शूट करूँगी इसीलिए क्योंकि मैं स्टैंड लाना भूल गई। सारा पार्सल दीदी ओपन पार्सल गिफ्ट दीदी ओपन करेंगी, और मैं रहूँगी आज पहली बार तुम्हारी बहन बैक कैमरे से शूट करेगी क्योंकि तुम्हारी बहन के पास स्टैंड नहीं है, सारे स्टैंड मैं घर पे भूल के आ गई फ्लैट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दीदी से रहा नहीं जा रहा है, कब से पागल हो जा रही, कब खोलूंगी। ये देखो ये चिल्लर पार्टी, गिफ्ट खुले देख किया जे, चॉकलेट है पहले,
साड़ी है जामदानी। सो ओपन कर दिया दीदी नेक्स्ट गिफ्ट। अच्छा सोफीस है, कोई लैम्प है, देखते हैं क्या लैम्प है। ये लग रहा है फोटो है ना अंदर। ये फोटो है, बहुत अच्छा। पहला वाला फोटो किसका है मुझे समझ नहीं आ रही है। हम दोनों ही है, पहचान में नहीं आ रहे हो, इतना एडिटेड है। ठीक है तो मतलब ये घूमेगा लग रहा है ना। अच्छा ये ऐसे लटकेगा तो उधर लाइट जलेगा। ये काफी सुंदर सा है, काफी यूनिक सा है, काफी अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे मिला है, ये टाइमेक्स का घड़ी। सब ने तुमको ही क्यों दिया भाई? नहीं भाई ये देखो, लड़के का लड़की का दोनों को भाई। ये हमारा एक सीनियर ने दिया है। भैया को भी फ्री में गिफ्ट मिल गया। इसमें कोई नाम नहीं लिखा है। ये मैंने दिया है तुम्हें, आपका सेफ है। बहुत अच्छा है ये, साड़ी होगा फॉर श्योर। चादर भी हो सकता है। नहीं साड़ी होगा ये। हाँ ये घर पे पहनने वाला साड़ी। ये भी मुझे लग रहा है कपलेट ही होगा, देखते हैं अभी। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट मैंने जज कर दिया ऑलरेडी। इसमें या तो फिर प्लेट रहेगा या तो फिर कप रहेगा। मेरा कुकिंग के लिए सामान है। क्या इसमें कुकर तो नहीं है? क्या पैन है? हाइपर पैन। ओ भाई खाना बनाना आता नहीं और ये पैन लेके बैठे। सारे नाम लिख के भेजते तो आसानी होता है, वो लोग जब बुलाते हैं हम लोग भी सेम ही देते। सो नेक्स्ट क्या है? ये लिखा तो है न्यू गोल्ड क्वीन बड़ो बाजार। सोने का कुछ है क्या? नंबर 3 स्टैंड देना। क्या है ये? अरे भगवान जी का मूर्ति बहुत प्यारा है। चादर है, बेडशीट, चादर गाम। अच्छा ये बेडशीट नहीं है, शॉल है। शॉल चादर बोलोगे तो समझ आएगा थोड़ी। साइड साइड बैग। तो ये निकल रहा है सोन पापड़ी का बॉक्स, जिसमें आया है साड़ी। अरे कलर बहुत प्यारा है, सुंदर साड़ी है। ये तो आया मैक्स से, मेरे वो शॉल, शॉल मैक्स वाला शॉल। ओ हाँ मैक्स से मैंने एक शर्ट खरीदा था भैया के लिए, जिसमें पूरा मतलब शर्ट ही खराब है, कलर लगा हुआ है अंदर पूरा, उन्होंने फोल्ड करके दे दिया। फिर हम अभी तक जा नहीं पाए, अभी मैं जाऊंगी जब आपको आपके साथ शेयर करूंगी। बट मैक्स वाले के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, पूरा ख़राब एक शर्ट ना पैक करके दे दिया, पता नहीं भाई कैसे। इसलिए कभी अगर किसी भी शॉप से ना फोल्ड किए गए चीज़ खरीद रहे हो तो देख लेना एक बार। चूड़ीदार पीस। तो ये आया है सूट का पीस। अच्छा गिफ्ट है, कोई देता नहीं है नॉर्मली। हाँ थोड़ा सा अनकॉमन है, प्यारा है बहुत। राइस कुकर, ये भी पहचानते हैं तुम्हें क्योंकि पता है उनको भी, तुम्हें पता नहीं कैसे राइस बनाते हैं। नेक्स्ट ये क्या है? ये तो मुझे लग रहा है साड़ी होगा शायद। क्या है अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, सारे लोग दुल्हन को क्यों गिफ्ट देते हैं? अरे दूल्हे के लिए गिफ्ट आ गया देखो, बोलते ही बोलते। अच्छा बेचारे को भी कुछ मिल गया, अच्छी बात है। ये और एक अंकल ने दिया है यहाँ का। अच्छा तो ये काम, ये का काम का है क्योंकि खाना तो बनाया नहीं जाता है तो ये खा रोज टोस्ट ही खा लेंगे भाई। ये आया है बहुत भारी सा गिफ्ट, देखते क्या है। फ्रैंक वाला गिफ्ट नहीं दिया कुछ? नहीं एक बार सर गिफ्ट क्या दे दिया? पूरा कप डिस्का सेट। ओ भाई ये मुझे लग रहा है डिनर सेट भी नहीं। हां भाई तो रहा है सामने लिखा 13 पीसेस का डिनर सेट है। अंदर खोल के देखे कैसे प्लेट है? नहीं जी के दिशा में से दिख रहा है, तू खराब कर देगी। हां ये फोटो जो है वही है, ठीक है विदाई में सब जाएगा तेरे साथ। हां नया वाला फ्लैट में लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्सल हम ओपन करने जा रहे हैं जो आया है मीशो की तरफ से।
भाई मुझे लगा प्रैंक हो गया, मीशो बोला और प्रैंक हो गया, ये सिर्फ दिखाई दिया था मुझे। पर्स है, अच्छा है, पर्स नहीं है ये, स्लिंग बैग है वो, मेरे जैसे लोगों के लिए ना पर्स ही है। ठीक है, अच्छा है ना। हाँ, दो साड़ी लेके जाएंगे वो पहनने के लिए। हाँ, सदर साड़ी, ये भी प्रेस्टीज का कुछ है, मुझे लग रहा तवा होगा। ये क्या ये है? वेट मशीन तो नहीं दे दिया किसी ने? नहीं भाई, सैंडविच लगता है ना उसमें। आ, वो डिजाइन बन जाता है, पता है, डिजाइन बन जाता है। नहीं ये सही गिफ्ट दिया है। क्या शॉल साड़ी, ताज का साड़ी। साड़ी अच्छा साड़ी लग रहा है देखने में, मम्मी का फेवरेट कलर है। अच्छा है, बेबी पिंक नरम भी है काफी, ऊपर से ही साड़ी दिख रहा है, रेड कलर का है साड़ी। कौन सा साड़ी, ये भी प्यारा है, रेड नहीं है, मुझे लग रहा पिंक है, मेरी आंखों में नहीं, नहीं रेड भी लग रहा है, इसमें रेड लग रहा है कैमरा में, बट आंख में मुझे रानी पिंक लग रहा है। ओ भाई डुअल शेड है, चाउमीन ऑर्डर किया? मतलब घर सजाने के लिए जितना सामान लगता है शादी में आ ही जाता है ना उतना। ये तो मेरे घर का वॉच है भाई, मैं अभी दिखाऊंगी जाके, सेम टू सेम। पैकेजिंग अच्छा लग रहा है, वो अच्छा बना है ना। भाई कागज का है, फाड़ भी नहीं सकते क्या? अच्छा लग रहा है देखने में, कोर्ट में यूज होने वाली चीज क्या ये? चाय फाय खाने के लिए, मतलब पीने के लिए, सॉरी। हाँ बहुत प्यारा है, देखो। चलो नेक्स्ट, ये क्या चीज है? अच्छा साड़ी है, साड़ी है, साड़ी है, साड़ी है। जल्दी जल्दी ओपन करो, एक सांस में ओपन करो। चद्दर है, चद्दर है, चद्दर है। ओह नो, मुझे लगा कि सुमेधा लिखा हुआ है। हाँ मैं पॉपुलर हूँ भाई, पॉपुलर। ये है साड़ी, 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 बोर्ड पर साड़ी। हाँ श्रीनिकेतन नहीं लिखा था? उसमें ये कब से मिलने लगा? नेक्स्ट, ये हाँ ये प्रैंक हो गया, शोमड़ा की है ना, इसे श्रीरामपुर का है, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगे बिकते हैं, मतलब चीज़ें इतना अच्छा नहीं होता पर ज़्यादा प्राइस लेते हैं। जल्दी जब भाई, मेरा उतना ये नहीं है साड़ी, कलर काफी अलग है लग रहा है, बट कलर काफी अलग है। नेक्स्ट फिर से श्रीनिकेतन, ये बेडशीट है, सो जाओ जाके। नेक्स्ट जल्दी जल्दी नहीं, ये बेडशीट है, बेडशीट, बेडशीट ले लो, बेडशीट ले लो, बेडशीट, बेडशीट ले लो, स्पेशली जो साड़ी टाड़ी बेचते हैं ना, ये कलर तो तुम्हें पसंद भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर से बड़ा सा आया है, या तो फिर डिनर सेट, या तो फिर लंच सेट, या तो फिर प्रेशर कुकर, या तो फिर बाटी का सेट। हाँ चुप कर जाओ, यही है, फाइव डिनर सेट, फाइव पीस डिनर सेट। क्या फोटो फ्रेम है, लेकिन मेरा फोटो नहीं है इसमें, ये विनीत का पार्सल है। नेक्स्ट चद्दर है भाई, चद्दर, फिर से बेडशीट, ये तो बेडशीट हमारे पास है भी, ये होगा, ये भी चद्दर हो सकता है भाई, मैं नहीं बोल सकती साड़ी, स्टोल भी हो सकता है। अरे कुर्ता दे दिया भैया को, उसके आंखों में आंसू आ जाएगा इसको देख के। वोट फॉर शॉल, 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 शॉल। नहीं ये भी उसके लिए ही है, स्वेटर है क्या?
कुछ वो श्वेत सर जैसा है। अच्छा जल्दी 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 रुक जा भाई। अच्छा मिक्सर मिल गया पूरा, बहुत जल्दी सजा दिया सबने। हाँ नेक्स्ट 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 रुक जा भाई रुक जा। क्या निकलेगा इसमें 10 करोड़ रुपए, जानने के लिए देखते रहिए दाश मेरा चैनल। ये भी डिनर सेट है। डिनर सेट ये भी बोरो सिंह का ही है, 13 पीस वाला लाड़ा ही है। सो टाइटन का वॉच लगे का है। ठीक है नेक्स्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़का लड़की ये अच्छा है, ये लड़की का ही है शायद, ये समझना मुश्किल है भाई, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, मुझे ऐसे ही वॉच का समझ नहीं आता। नेक्स्ट 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 खड़े पहन सकते हैं ये दो है लग रहा है ना, यानी एक लड़का लड़की का दिया एक लड़की का, क्या बोल रही हूँ मैं भगवान जाने, ये लड़की का है फॉर श्योर, अच्छा लग रहा है। हाँ दोनों ही अच्छा है वॉच। हाँ बट ये नेक्स्ट है और कुछ या खत्म? सोने का कुछ मिला है। अच्छा हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा। ये क्या मिला है तुम्हें? अच्छा मंगलसूत्र है, फिर नेक्स्ट इयररिंग है, अच्छा है, फिर है पायल, फिर है ये भी एक इयर रिंग है, ये भी इयर रिंग ही होगा मुझे लग रहा है, ये भी इयर रिंग है, ये भी सही है भाई। और भी है क्या? क्या है ये? अच्छा ये तो जुड़वा बहन होगी उसकी, सेम इयर रिंग दो मिला है, जैसा ही है। ये क्या है? अंगूठी है, का अंगूठी है। हाँ ये भी प्यारा है। फिर इधर एक वॉच है टाइटन का, बहुत ही बढ़िया, ये लड़कों का है शायद ना, ये लड़की का वॉच है। बहुत गलत किया है, मेरा सब गिफ्ट्स बहुत पसंद आया, सब काम का है ये। मैंने अगर किसी को रोस्ट किया है सॉरी फॉर दैट, बट हाँ छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टाटा बाय।